रीजनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क एंड DBMS और ये सारी चीज़ें थी सिलेबस में। और इसका देखा जाए एग्जाम पैटर्न ये था, इसका पेपर दो पेपर्स होते हैं, एक और एक एक और पेपर होगा। इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत, तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। ये एग्जाम राजस्थान PSC RPSC के द्वारा राजस्थान प्रोग्राम में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। ये एग्जाम ऑफलाइन बेसिस पे, इसमें हमें ओमर बेस पे क्वेश्चन, ओमर शीट को भर के क्वेश्चन करना था। एग्जाम इन और इस एग्जाम में सिलेबस था ये रीजनिंग, कंप्यूटर नेटवर्क एंड DBMS और ये सारी चीज़ें थी सिलेबस में। और इसका देखा जाए एग्ज़ाम पैटर्न ये था, इसका पेपर दो पेपर्स होते हैं, एक और एक एक और पेपर होगा जो अभी सेकेंड शिफ्ट में अभी हमारा पेपर है, उसमें प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में सिलेबस रहेगा उसका, वो भी 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो अभी एग्ज़ाम था बढ़िया रहा भैया। आपने जो पेपर दिया आपने, हाँ, उसमें क्या कितने क्वेश्चन आए थे, क्या प्रॉब्लम थी? उसमें 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चंस थे एंड वन फॉर एवरी क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का था, जिसमें से और जिसमें यदि आप कोई क्वेश्चन गलत टिक करते हो तो इसके लिए आपको 1/3 माइनस मार्किंग थी। मतलब क्या लगता है आपको? बढ़िया एग्ज़ाम बढ़िया रहा, आप देखते क्या होता है। आज RPSC के द्वारा प्रोग्रामर की परीक्षा आयोजित की गई थी। कितने क्वेश्चन आए भैया, कितने क्वेश्चन पूछे? 100 नंबर का पेपर था, क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन थे, GK के थे और क्या बोलते हैं उसके, रीजनिंग के थे, DI के थे, DBMS के थे, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थे। कंपटीशन टफ है, सब खुद खुद की मेहनत करके हैं, देखो क्या होता है। प्रोग्रामर का पेपर था RPSC का एंड पेपर मॉडरेट आया था जी। क्या पूछा गया इसमें? DBMS और नेटवर्किंग के बारे में क्वेश्चन बेसिक ही थे, ज़्यादा टफ नहीं था पेपर जी। कितने क्वेश्चन थे करीब? 100 क्वेश्चन थे, कट ऑफ मतलब आई जाएगी।